जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर खफा कांग्रेसियों ने घंटाघर स्थित पार्क पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा नेता का पुतला फूंककर विरोध व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं घंटाघर पर प्रदर्शन करने के बाद कलेक्ट्रेट जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया तो सभी कांग्रेसी अम्बेडकर पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने कहा है कि अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए बयान निंदनीय हैं, भारतीय सांस्कृतिक के विपरीत हैं। कहा कि इस बयान से साफ हो गया है कि भाजपा में राहुल गांधी के बढ़ते कदम से बौखलाहट है। जिला अध्यक्ष महानगर ने कहा कि अगर आगे राहुल गांधी के विरुद्ध अभद्र भाषा की गई तो कांग्रेसी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन ACM को सौंपा जिसमें अनुराग ठाकुर की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग रखी गई। वहीं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी को दिए गए बयान पर गुस्सा फूटा और आक्रोशित महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का पेट्रोल डालकर पुतला फूंका और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनुराग ठाकुर के जले हुए पुतले में चप्पल भी मारी। पुतला हमने फूंका है अनुराग ठाकुर का, जिसने संसद में बैठ करके हमारे माननीय राहुल जी की बेइज्जती करी, उनके जात पात पर आए, जबकि वो किस जात के हैं यह हर जन जानता है, वो किस तरीके के इंसान है हर जन जान रहा है, पब्लिक जान रही है, दुनिया जान रही है कि उन्होंने क्या इस देश के लिए वो कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है तो इससे ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर राजनीति करनी है तो सड़कों पर आओ, मेहनत करो, लोगों के दिलों में जगह बनाओ, तब तो बात बने। अरे इसको अनुराग ठाकुर को पहले ही मंत्री पद से हटा दिया गया, अब वो सिर्फ सांसद है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। क्या मांगे आप? हमारी मांग है ये इस्तीफा दे अपने उससे अभी, एकदम उसको इस्तीफा दें। इसकी इस चीज़ के लिए उसको ज़रूर से उसको सज़ा मिलेगी। मैं तो सड़कों पर उतरूंगी, अपनी महिलाओं को लेकर के सड़कों पर उतरूंगी। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अंदर से भरी हुई है, बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की कि उनसे जात का पूछा, उनसे बोला कि पहले अपनी जात, अरे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान है, उसको पैसे लगते की ज़रूरत नहीं है। हमारे राहुल गांधी को पैसे लगतों की ज़रूरत नहीं है, वो इतना पैसा वो उस जमाने से उनके पास है, उनकी वो है कि उसको वो साथ पुछते बैठ करके खा सकती हैं। मेरा नाम लीना कुमार है, मैं महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष। आज स्टेट बैंक के सामने घंटाघर पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क पे कर रहे हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया था, जो गीता कुरान बाइबल की तरह पवित्र संविधान है भारत का, हम बाबा साहब को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी जाति समुदाय और धर्म सबके लिए, मजहब सबके लिए एक व्यवस्था थी। और भारत का संविधान ये बताता है कि देश के अंदर कैसे नागरिक रहते हैं। किसी देश के संविधान को पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि इस देश का संविधान क्या है। भारत का संविधान भारत की आत्मा है। और आज एक अनुराग ठाकुर नाम के 543 सांसदों में से एक सांसद ने, जो भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने हमारे जनप्रिय नेता, जो जनता ने एक अभी फिलहाल में जनाधार दिया है, और वो जनाधार से जिस तरीके से ये बता दिया है कि धर्म जाति और मजहब की राजनीति का इस देश में कोई स्थान नहीं, अयोध्या को हरा के बता दिया और इनका जनाधार कम करके बता दिया, कई तरीके से जनता ने बता दिया और जनता ने ऐसा इनके मुंह पर वो तमाचा मार के सबक दिया है कि जाग जाओ, धर्म जाति की राजनीति छोड़ दो, लेकिन ये हरकत से बाजे नहीं आ रहे हैं। इन्होंने हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी से जाति पूछी, अरे जात ने पूछे साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान और मन करे क्या तलवार का, पड़ा रहने दे म्यान। ये मूर्ख लोगों की बात होती है, जाति धर्म मजहब, जाति धर्म मजहब से कुछ नहीं होता। जिसके विचार बड़े होते हैं, न कोठी से बड़ा, न बंगले से बड़ा, न मकान से बड़ा, न हवाई जहाज से बड़ा, न हेलीकॉप्टर में चलने से बड़ा, न देश का प्रधानमंत्री बनने से बड़ा, न कोई राष्ट्रपति बनने से बड़ा, बड़ा न कोई जज बनने से बड़ा, बड़ा होता है तो केवल विचार से बड़ा होता है। जिसके विचार महान होंगे, अशोक सम्राट जब ही कहे थे महान, जब उन्होंने धम्म विजय प्राप्त की थी, जनता का दिल जीतो और शासन करो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।